गरियाबंद जिले के ग्राम सोरित के पहाड़ियों में मां रमईपाट का 8वीं शताब्दी का मंदिर है, जो निसंतान दंपत्ति की संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए पहचाना जाता है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 60 किलोमीटर और गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। रमईपाट को गोदी माई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक आम का पेड़ है जिसके जड़ों से जल की धारा निरंतर कई वर्षों से प्रवाहित हो रही है। माँ रमईपाट के मंदिर में भक्तों का तांता सुबह से शाम तक लगा रहता है। मंदिर में 8वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं जो एक मिट्टी के मंदिर में विराजित है। माता सीता की गर्भ धारण किए हुए प्रतिमा आज भी निसंतान दंपतियों के लिए आस्था का केंद्र है। प्रदेश के दूर दराज से निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना को लेकर इस मंदिर में आते हैं और मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु गादी माई के लिए लोहे के झूले अर्पित करते हैं। चैत्र नवरात्र पर माता के मंदिर में सैकड़ों ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं, जिनके दर्शन को प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। मनोकामना पूर्ण करती है माता जी, और सभी लोग वही इच्छा लेके आते हैं कि हम लोग का भी मनोकामना पूर्ण हो। जिसको बच्चा नहीं है वो भी बच्चा बच्चा आते हैं यहाँ पे आने से, और उसके इच्छा अनुसार जो हो जाते हैं तो लोग जो जो बोले रहते हैं उसको चढ़ाते हैं यहाँ पे। बकरा आम के पेड़ से पानी निकलते हैं, जड़ से गंगा मैया है, और बहुत मतलब पुराने हैं, यहाँ से शुरू से निकल रहे हैं, बारो माह मतलब वहाँ से निकलते रहता है पानी, कभी खत्म। ये रमई माता जो है ये 8वीं शताब्दी की पुरानी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर मनोकामनाएं बाल विशेषकर बाल बच्चों के लिए ही यहाँ प्रसिद्ध है। गर्भ माता वो तो वनवास काल में ही गर्भवती थी, इस कारण से आज भी गर्भवती है, गर्भवती की पोज में आज भी है। लोग मन्नत मांगते हैं उसी कारण से बाल बच्चों के लिए, और हर का मनोरथ पूर्ण होता है, 99% सफलता मिलती है बाल बच्चों के लिए। ऊपर पहाड़ी पर जो रमईपाट माता के नाम से जाना जाता है, ये 8वीं शताब्दी की मंदिर है, जहाँ यहाँ नौ दंपत्ति लोग आते हैं मन्नत पूर्ण करने के लिए। जिसके बाल बच्चे नहीं आ रहे होते हैं वो लोग यहाँ अपनी मन्नत पूर्ण करते हैं। यहाँ आम के झाड़ से गंगा मैया निकल रहा है, इसको जड़ से निकल रहा है, झाड़ तो एकमात्र नाम है लेकिन उसके जड़ से बारह महीना पूरा निकल रहा है, जो कमी नहीं होता उसमें जल। लोहे का चूड़ा भी चढ़ाते हैं साथ में, सांकड़ वगैरह यहाँ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।